अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम डील ऑर्डर रिएक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि क्यों मतलब ये डाइन और डाइनोफाइल आपस में मिलते हैं और रिएक्शन करके 4+2 साइक्लोएडिशन प्रोडक्ट देते हैं, जबकि दो इथाइलिन के मॉलिक्यूल 2+2 साइक्लोएडिशन क्यों नहीं करता जिससे साइक्लोब्यूटेन बनते हैं। हमारे पास साइक्लोहेक्सीन तो बन जाता है 4+2 साइक्लोएडिशन के ज़रिए, जिसमें 1,3-ब्यूटाडाइन होता है और इथाइलिन होता है, लेकिन दो इथाइलिन मॉलिक्यूल आपस में 2+2 साइक्लोएडिशन क्यों नहीं करता। तो आज हम इसी टॉपिक को एड्रेस करेंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर के हवाले से आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि जो डील ऑर्डर रिएक्शन होता है वो डाइन और डाइनोफाइल के दरमियान होता है, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है। जब आप पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के मुतल्लिक सुनते हैं तो ये कंसर्टेड होता है, यानी कंसर्टेड वो रिएक्शन होती है जिसका आपके पास सिंगल ट्रांजिशन स्टेट होता है, यानी एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी, या आप जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं वो या तो हीट की प्रेजेंस में होते हैं या फिर लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। अब जो आपके पास सिंपल डील ऑर्डर रिएक्शन है वो हीट की प्रेजेंस में होते हैं, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो 4+2 साइक्लोएडिशन होती है वो हीट की वजह से रनुमा हो सकी, यानी हीट इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करते हैं। यानी ये जो 4+2 साइक्लोएडिशन वाला पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, इसके लिए जो कैटलिस्ट होता है वो आपके पास हीट होता है। लेकिन जो 2+2 साइक्लोएडिशन होती है दो इथाइलिन मॉलिक्यूल के दरमियान, जिसके नतीजे में साइक्लो ब्यूटेन बनता है, तो वो हीट की प्रेजेंस में नहीं होता बल्कि वो लाइट की प्रेजेंस में होता है। वो भी आपके पास पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है जो 2+2 कहलाता है, लेकिन उसके साथ जो इशू है उसमें ये कि वो हीट की प्रेजेंस में नहीं होता बल्कि लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 4+2 साइक्लोएडिशन है उसको हीट कैटलाइज करता है और जो 2+2 साइक्लोएडिशन है उसको लाइट कैटलाइज करता है। अब हम देखेंगे कि क्यों 2+2 साइक्लोएडिशन को हीट कैटलाइज नहीं कर सकता, या 4+2 को लाइट क्यों कैटलाइज नहीं कर सकता। अब इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1965 के दौरान एक थ्योरी पेश की थी जिसको थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री कहते हैं। ये दो साइंटिस्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, रॉबर्ट बी वुडवर्ड और रॉल्ट हॉफमैन, ये दो साइंटिस्ट थे। तो उसने ये बात की थी कि ये जो कंसर्टेड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं उसमें जो इंट्रैक्शन होती है, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होती है, वो ऑर्बिटल की सिमेट्री ही की बुनियाद के ऊपर, जब ऑर्बिटल की सिमेट्री कंजर्व करती है तो तभी वो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होती है। अब ये स्टेटमेंट मैंने कहा है, इसका क्या मतलब है, अब इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने जो मॉलिक्यूल शो किए, यानी उसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हमने शो की है। एक बात आप ध्यान में रख लें कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी है तो वो हमें ये बताती है कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसके बनने के अमल से पहले क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो लीनियर ओवरलैप करते हैं, और उस लीनियर ओवरलैप के नतीजे में आपके पास नए ऑर्बिटल बनते हैं, उनको हमने क्या कहा था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये आपके पास दो टाइप के होते हैं,
एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं जिसमें बॉन्डिंग होती है, और दूसरे को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं जो आपके पास नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आधे आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते और आधे आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के ऊपर लो एनर्जी की होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में फील होती है, क्योंकि उस पाव प्रिंसिपल के मुताबिक ये कि जब इलेक्ट्रॉन फील करने हों तो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फील होते हैं, उसके बाद फिर हाइस्ट में फील होते हैं। यहाँ पे हम पहले ब्यूटाडाइन की एग्जांपल देखते हैं, ये ब्यूटाडाइन है और यहाँ पे हमारे पास एथाइलीन है। तो ब्यूटाडाइन में आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के 4 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ये जो आपके पास है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ब्यूटाडाइन के केस में ओवरलैप करते हैं, जिसके नतीजे में आपके पास 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उन 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, हर ऑर्बिटल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें फील होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको हमने π1, π2, π3 स्टार और π4 स्टार से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो अब इस डायग्राम से आप देख रहे हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट किया, जैसे कि π3 और π4, तो ये आपके पास खाली पड़े। अब ये जो आपके पास ऑर्बिटल कहलाता है इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास होमो है या आपके पास हाइस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये वाला जो आपके पास है ये आपके पास लोमो कहलाता है, जो कि आपके पास लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। बेसिकली जब बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग में आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइस्ट से लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्ट होते हैं, और इसी तरह ये रिएक्शन होती है, जिस तरह बिल्कुल आप ब्यूटाडाइन या ये जो आपके पास डील ऑर्डर रिएक्शन में डाइन होता है, तो उसके हाइस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जो इथीन होता है या डाइनोफाइल होता है उसके लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह आपके पास साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। तो ये आपके पास सिचुएशन होगी। यहाँ पे डायग्राम के ऊपर कुछ आपको रेड लाइन नज़र आ रही होगी, और कुछ मतलब है आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें आपके पास ये जो लोब्स है, लोब्स को 2 डिफरेंट कलर से शो किया गया है, एक आपके पास ब्लू और दूसरा आपके पास ग्रीन। तो अब जो जो आप आगे जाएंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसी तरह नोड्स भी आते जाते हैं। जो नोड्स होते हैं जो क्वांटम मैकेनिक के मुताबिक नोड्स वो इलाका होता है, वो रीजन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं होती। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब आपके पास सेम कलर के लोब या सेम चार्ज वाले लोब एक साइड पे होंगे तो वहाँ पे इंटरेक्शन होती है, लेकिन जब एक दूसरे के साथ लोब सेम साइड के ऊपर ना हो या सेम सिंबल चार्ज ना हो तो उसको हम कहते हैं कि वो बॉन्डिंग में इंटरेक्ट नहीं करती। यहाँ पे ये जो प्लस और नेगेटिव साइन आपको नज़र आ रहे हैं ये आप चार्ज ना देखें, ये कोई चार्ज नहीं है बल्कि ये आपको लोब के हिस्से दिखाए गए, जिस तरह प्लस और नेगेटिव हिस्सा, यानी मतलब इसको लोब की पहचान के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको 1 और 2 भी नाम दे सकते हैं अगर प्लस और माइनस से आपको कोई कन्फ्यूजन होती है। ओके,
जब आप किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए नोड मालूम करते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख ले उसको जो पाई का नंबर होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर होता है, उसे आप एक माइनस करते हैं। अगर हमने ये देखना हो कि पाई वन में कितने नोड होंगे, तो उसमें आपने ये देखना है कि एन माइनस वन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। चूँकि पाई वन है तो वन माइनस वन ज़ीरो, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई आपके पास नोड नहीं है। अब हम पाई टू की तरफ जाते हैं, पाई टू की वैल्यू टू है तो टू माइनस वन हो जाएगा, लिहाजा आपके पास एक नोड इसमें होगा। ये आपको एक रेड लाइन नज़र आ रही है जो कि आपके पास एक नोड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो ऑर्बिटल है नोड के आसपास, इसके जो साइन है वो अपोजिट है, लिहाजा यहाँ पे बॉन्डिंग सिचुएशन नहीं होती, बल्कि जो बॉन्डिंग सिचुएशन होती है वो यहाँ पे होती है और यहाँ पे होती है, क्योंकि दोनों आपस में सेम साइन वाले फेसेस है। अब जब पाई थ्री की तरफ हम जाते, तो पाई थ्री में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ नोड कितने होंगे, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। आपको दो नोड यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं, रेड डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि ना तो इनमें इंट्रैक्शन होती है ना इनमें इंट्रैक्शन होती है, सिर्फ ये दरमियान वाले जो दो लोब्स हैं इनमें एक इंट्रैक्शन होती है। फिर आप पाई फोर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आपको तीन नोड नज़र आएंगे और यहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब आप ब्यूटाडाइन देखते हैं, तो चूँकि इसके पास दो मॉलिक्यूलर और दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक को हम होमो कहते हैं, दूसरे को आप लोमो। आपके पास जो लोमो है उसमें एक आपके पास क्या है कि लोब है, तो लिहाजा यहाँ पर ये बॉन्डिंग सिचुएशन नहीं है। दो पाई इलेक्ट्रॉन है तो दो पाई इलेक्ट्रॉन होमो ही में आपको पाए होंगे। तो ये कुछ बेसिक थ्योरी हैं स्पेशली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ब्यूटाडाइन और इथाइलिन को हम शो करते, कैसे बनते, उसमें नोड्स क्या होते, उसमें आपके पास होमो कौन सा होता है, लोमो कौन सा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फील होते। तो ये बात जब आपको समझ में आ जाएगी, तो फिर आप आगे इसको अंडरस्टैंड कर सकते। बेसिकली हमने ये देखना है कि जो 4+2 साइक्लोएडिशन है वो क्यों थर्मली कैटलाइज्ड है, जबकि 2+2 वो फोटोलिटिकली कैटलाइज्ड है। ये जितना भी अभी हमने पढ़ा, ये सारा का सारा वुडवर्ड एंड हॉफमैन रूल है, जो कि हमें सिमेट्री के मुतालिक बताता है। और सिमेट्री के जो रूल है वो हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि जब आपके पास दो ऑर्बिटल सेम साइड वाले उसके लोब होंगे, तो तभी जाके ये ओवरलैप करेंगे और बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, अगर ये लोब सेम साइड पे नहीं है तो क्या होगा कि इसके दरमियान बॉन्डिंग सिचुएशन नहीं होगी। तो ये सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और यही इंफॉर्मेशन जो कि अभी मैंने आपके साथ शेयर की है ये यहाँ पे बताई गई है। लास्ट अंडरलाइन लाइन जब आप देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक जो फिनोमेना है वो मैंने अंडरलाइन किया है और साथ साथ उसको हाईलाइट भी किया है, सिमेट्री अलाउड। तो जब बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है, तो लाजमी बात है कि बॉन्डिंग इंटरेक्शन उन्हीं ऑर्बिटल में होंगी जिसके साइन सेम होंगे, यानी उसके फेसेस सेम होंगे। तो वो कहेंगे कि हम कहेंगे कि उसकी वो सिमेट्रिकली अलाउड है। अगर ये साइन सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास सिमेट्री फॉरबिडन है। अब यहाँ पे हम डी लॉर्डर रिएक्शन की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पास जो ब्यूटाडाइन और इथाइलिन के दरमियान डी लॉर्डर रिएक्शन होने जा रहे हैं, इसकी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये जो इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ब्लू लूप एक लोब जो आपके पास है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते, और यहाँ पे आपके पास ग्रीन, तो चूँकि दोनों सेम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको बॉन्डिंग सिचुएशन नज़र आती है।
और क्या होता है कि आपके पास इन दोनों जगह के ऊपर आपके पास सिग्मा बांड बनता है और इसी तरह आपके पास साइक्लोहेक्सीन का मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये जो आपके पास ब्यूटाडाइन है, इसका जो हाइस्ट शाकोपाइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये जो दो ऑर्बिटल आपको नज़र आ रही है, ये हाइस्ट शाकोपाइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये वाला जो है आपके पास लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन है या डाइनोफाइल है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर इस डायग्राम के अंदर आप से पूछा जाए कि किस किस के दरमियान इंट्रैक्शन होगा, तो डाइनोफाइल के ये जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका, और ये जो आपके पास ब्यूटाडाइन का हाइस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके दरमियान ये इंट्रैक्शन होगी और इस इंट्रैक्शन के नतीजे में आपके पास ये डी ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब हम साइक्लो ब्यूटेन की तरफ आते हैं या 2+2 साइक्लो एडिशन की तरफ आते, जो कि सिमिट्री फॉरबिडन है, यानी इसकी जो सिमिट्री है वो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन शो नहीं करती, और ये रिएक्शन भी लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, ना कि हीट की प्रेजेंस में होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, दोबारा देखेंगे, हमारे पास ये दो इथाइलिन के मॉलिक्यूल है। जब दो इथाइलिन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, साइक्लोएडिशन का अमल इसमें होगा, तो क्या होगा कि आप सोचेंगे कि ये जो आपके पास एक इथाइलिन मॉलिक्यूल का जो आपके पास होमो होगा, दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे इथाइलिन मॉलिक्यूल के लोमो के साथ इंटरेक्ट करेगा, और तभी जाके अगर ये इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होती है तो तभी जाके ये बॉन्डिंग होगी। अगर ये इंटरेक्शन नहीं होती तो ये बॉन्डिंग सिचुएशन नहीं होगी। अब हम इसको देखते हैं क्या या वाकई यहाँ पे ये इंट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल होमो एक मॉलिक्यूल का, ये जो नीचे आपको दिखाया गया है, और ये आपके पास लोमो दूसरे मॉलिक्यूल के। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये बॉन्डिंग सिचुएशन शो करता है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन शो करता है, यानी यहाँ पे जो ब्लू लोब्स के दरमियान इंट्रैक्शन है, यहाँ पे तो बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन ब्लू और ग्रीन जो लोब से यहाँ पे कोई बॉन्डिंग सिचुएशन हैपन नहीं होती, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि थर्मली ये जो आपके पास साइक्लोएडिशन है दैट इज़ फॉरबिडन। लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस में होते क्यों होते हैं उसको हम देखते हैं कि कैसे होते हैं। जब लाइट इथाइलिन के मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ता है तो इसके जो होमो से इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और नेक्स्ट जो ऑर्बिटल पहले जो लोमो होता था उसमें चला जाता है। जो ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो ये आपके पास होमो स्टार बन जाता है, क्योंकि ये अब आपके पास ऑक्युपाई हो गया, पहले जो कि लोमो था, तो अब वो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बाद एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट होने के बाद फिर क्या होगा कि ये फिर क्या करेगा कि इंटरेक्ट करेगा, या फॉर एग्जांपल क्या करेगा कि अब ये होमो में ट्रांसफॉर्म, चूँकि ये पहले लोमो था तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बाद, इलेक्ट्रॉन का वहाँ प्रेजेंस होने के बाद ये होमो स्टार यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में है। तो अब आपके पास एक मॉलिक्यूल का ये आपके पास होमो हो जाएगा, यानी ये आपके पास एक मॉलिक्यूल का होमो हो जाएगा और ये दूसरे मॉलिक्यूल का आपके पास लोमो हो जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान फिर क्या होगी कि इंट्रैक्शन होगी। अब ये इंट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाला लोमो है, आप फॉर एग्जांपल ये लोमो हो या ये वाला होमो हो, इसको आप फॉर एग्जांपल क्या कर ले कि 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या करते कि 180 पे रोटेट करते, तो इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रही कि जो ब्लू लोब है वो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर है और
अब अगर 80 पे रोटेट करेंगे तो ये राइट साइड पे हो जाएगा। जब ये राइट साइड पे हो जाएगा तो वो क्या होगा, राइट साइड पे आपके पास ब्लू ऊपर होगा और ग्रीन नीचे होगा, और लेफ्ट साइड पे आपके पास ग्रीन ऊपर होगा और ब्लू नीचे होगा। अब जब 180 के बाद 180 डिग्री पर रोटेट करने के बाद क्या होगा कि ये आपके पास ये जो होम हुए इसके साथ इसका इंट्रैक्शन पॉसिबल है। अब आप चेक कर सकते हैं, सोचे कि अब एक के होमो और दूसरे के लोमो के दरमियान इंट्रैक्शन होगा, उस इंट्रैक्शन के नतीजे में फिर क्या होगा, आपके पास 2+2 साइक्लोएडिशन होगी, जो कि आपके पास बॉन्डिंग सिचुएशन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैंने रोटेट किया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल सेम साइट एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके पास साइक्लोब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल बनने जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 4+2 साइक्लोएडिशन है वो थर्मली अलाउड है लेकिन फोटोलिटिकली फॉरबिडन है। लेकिन जो 2+2 साइक्लोएडिशन है दैट इज थर्मली फॉरबिडन बट फोटोलिटिकली अलाउड। यहाँ पे आप साथ में क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये जो आपके पास क्वेश्चन नज़र आ रहा है तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है। और ये हमें ये बताता है कि शो दैट 4+2 साइक्लो एडिशन और डी लॉर्डर रिएक्शन फोटोकेमिकली फॉरबिडन, क्यों फॉरबिडन है, तो इसका आपने रीज़न बताना है। आई होप कि आज के लेक्चर के हवाले से कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपने गेन की होगी, और इंशाल्लाह इसी तरह हम मज़ीद भी मतलब वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपके प्रॉब्लम आसानी के साथ सॉल्व हो सके। थैंक यू वेरी मच।